कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 7 क्रमचय व संचय विविध प्रश्नावली अध्याय 7 डॉक्टर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन। इसके हल में देखें, हमारे पास शब्द दिया है डॉक्टर शब्द, के अक्षरों की संख्या इसके क्या अक्षरों की संख्या, तो इसके अक्षरों की संख्या को अगर देखें तो हम बड़ी आसानी से बतला सकते कि इसमें अक्षरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने अक्षर है, 8 अक्षर है। अब इसमें हम स्वरों को छांटेंगे तो स्वरों की संख्या यदि हम डॉक्टर शब्द में स्वरों की संख्या देखें तो हमारे पास एक ए है, यू है और ई है, तो हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी, 3। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते क्या, एक ए है, दूसरा यू है और तीसरा क्या है, ई है। फिर काहे की संख्या, व्यंजन की संख्या, इसमें कितने व्यंजन हैं उन्हें देखें तो हमारे पास व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या यदि ध्यान से देखें हम तो हम चाहे तो लिख सकते, पहला व्यंजन हमारे पास डे है, फिर हमारे पास जी है, फिर हमारे पास एच है, फिर हमारे पास टी है और फिर हमारे पास आर है। तो व्यंजनों की संख्या अगर देखें तो कितनी है हमारे पास, 5 है, व्यंजनों की संख्या हमारे पास 5 है। तो ध्यान से देखिए, अब हमको इसके जो शब्द बनाने उसमें 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन है, मतलब 3 स्वर में से 2 को चुनना है, 5 व्यंजन में से 3 को चुनना है। तो इसको हम कुछ लिखेंगे इस प्रकार से, क्या 3 व्यंजनों में से 3 स्वरों में से सॉरी 3 स्वरों में से 2 को क्या चुन, क्या करना, चुनने के प्रकार, 2 को चुनने के अगर हम प्रकार देखें तो हमारे पास होंगे क्या, 3C2। इसको हम कन्वर्ट करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 3C3-2 मतलब 3C1 मतलब क्या, 3। अब कितने, 5 व्यंजनों में से 5 क्या, 5 व्यंजनों में से कितने को, 3 व्यंजन, 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन को क्या, चुनने के प्रकार, 3 व्यंजन को क्या, चुनने के प्रकार, तो वो होंगे 5C3। इसको भी हम ऐसा लिख सकते 5C क्या, 5-3 मीन्स 5C2, और 5C2 को अगर हल करेंगे तो 5×4/2×3, तो 2×5=10। तो इस प्रकार से हमारे पास, इसलिए अतः कौन सा शब्द था डाटा, DAUGHTER, अतः डाटा शब्द के काहे में से, अक्षरों में से, के अक्षरों में से 2 स्वर तथा 3 व्यंजनों को क्या, चुनने के प्रकार, चुनने के क्या प्रकार हमारे पास हो जाएंगे कितने, तो हो जाएंगे 3×10 यानी कि 30। लेकिन प्रत्येक संचय में 5 अक्षर है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्येक संचय बनेगा, प्रत्येक संचय में 5 अक्षर है, 5 अक्षर है और जिन्हें सभी को लेकर, जिन्हें लेकर
हम 5P5 मीन्स फैक्टोरियल 5 क्रमचे, फैक्टोरियल कितने 5 क्रमचे क्या कर सकते बना सकते बन, क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम बना सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल 5 का 5 गुणे 4 3 2 1 इसका हल करेंगे, 5 के 20 20 दिए 60 60 दुनी 120 प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम। इसलिए 30 संचय हमारे पास कुल कितने थे 30 प्रकार थे, कितने 30 प्रकार से हम बना सकते हैं। इसलिए 30 संचयों के, इसलिए कितने के 30 संचयों के, कहे कि क्रमचयों की संख्या 30 संचयों के, कहे कि क्रमचयों की संख्या तो बराबरी से हो जाएगी 30 गुणित 120 यानी कि कितने 3600। तो डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है यदि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर हो, क्योंकि इसमें स्वरों की संख्या कितनी थी 3 थी, 3 में से 2 स्वर, और व्यंजन की संख्या 5 थी, 5 में से 3 व्यंजन को चुनने के प्रकार हमने लिखे कि 3 में से 2 स्वर को चुना जा सकता 3 प्रकार थे, 5 व्यंजन में से कितने 3 व्यंजन को चुना जा सकता है 10 प्रकार थे। तो 2 स्वर और 3 व्यंजनों को चुनने के कुल प्रकार हो गए 30, लेकिन प्रत्येक अक्षर इसमें 5 अक्षर है। इस प्रकार हमने पाया कि कुल 3600 प्रकार के अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष करता हूँ।